पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक पर्म संख्या एक प्रकृत संख्या होती है, वास्तविक संख्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वास्तविक संख्या होती है, प्रत्येक पर्म संख्या जो है वास्तविक संख्या होती है। हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूट टू क्या है? तो दोस्तों रूट टू क्या है आपको यहाँ पर बताना है। तो आपको हम बता दें कि जो संख्या रूट में होती है वो अपरम संख्या होती है, और जो रूट में नहीं होती है वो आपका परम संख्या होती है। तो यहाँ पे रूट टू जो है हमारा क्या है, एक अपरम संख्या है। आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक से एक अपरम संख्या है, चूँकि यह क्या है, शांत है, अशांत है, अशांत, अनावर्ती है, इनमें से कोई नहीं। एक से एक परम संख्या है, तो परम संख्या है तो क्या हो सकता है, अशांत होगा, अनावर्ती है, ये आपको देखना है। अपरम है, परम रहता तो शांत होता, अपरम है तो आपका क्या होगा, अशांत, अनावर्ती। हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। परम अपरम संख्या कौन है आपको बताना। देखिए ये हो जाएगा आपका पाँच परम संख्या है, ये हो जाएगा आपका तीन बटा चार, क्योंकि तीन का स्क्वायर और चार का स्क्वायर है। तो अपरम संख्या कौन, अपरम संख्या है तो ये रहेगा रूट में। तो हमारा जो है अपरम संख्या क्या है, पाँच है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो परम संख्याओं के बीच सिर्फ एक ही परम संख्या होती है, अनगिनत परम संख्या होती है, कोई अपरम संख्या नहीं होती, इनमें से कोई नहीं। दो परम संख्याओं के बीच जो है, दो परम संख्या हम ले रहे हैं, दो परम संख्याओं के बीच जो है अनगिनत परम संख्या हो सकती है। यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो तथा 2.5 के बीच एक अपरम संख्या निम्न में से कौन है। दो और 2.5 है, दो और 2.5 के बीच में जो है, यदि हम रूट फाइव लेते हैं तो 2 होगा समथिंग, 11 ज़्यादा हो जाएगा, 11 तीन तरीका नौ, तीन हो जाएगा इसमें, ये इसमें चार हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दो से ऊपर चाहिए और 2.5 से अंदर चाहिए, तो रूट फाइव होगा। यहाँ देखिए इसका सर्वोत्तम रूप क्या होगा आपको बताना है, ये a प्लस बी ए माइनस बी फार्मूला पर है, तो इसका हो जाएगा 2 के स्क्वायर और माइनस रूट 3 के स्क्वायर, 2 दूना 4 और माइनस 3 बराबर क्या आया हमारा, 1 आया। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, संख्या 1.27 पर बार है, तो परम संख्या के रूप में कौन होगा। 1.27 है यहाँ पे हमारा देख रहे हैं। तो देखिए इस तरीके के सवाल आपको कैसे बनाना है, लिखना है, माना कि x इक्वल टू 1.27 है, आप लिख सकते हैं 2727 ऐसे। हम इसमें 100 से गुणा कर देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 10 से करते हैं, फिर 100 से गुणा करेंगे तो इधर हो जाएगा हमारा 100x, इधर हमारा क्या हो जाएगा 127.2727 हो जाएगा, क्योंकि 100 से गुणा करेंगे तो 0.2 आगे बढ़ जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि घटा देंगे, तो 100x में से x गया तो हमारा इधर क्या बचेगा, 99x। इधर देखिए ये 27 ये सब कट जाएगा, इधर आपका 127 में से आपका एक चला जाएगा, तब बचेगा क्या 126 बचेगा। तो ये x के साथ गुणा में है, तो गुणा में है तो क्या होगा, बटा में हो जाएगा। यहाँ पे हमारा, यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा x इक्वल टू 126 और बटा 99 हो जाएगा, 3 से कटाएंगे तो हो जाएगा 3 चौका 12 और 3 दूना 6, ये इसको कटाएंगे तो हो जाएगा 33, इसको कटाएंगे 11 3 33, फिर 3 से और ये हो जाएगा 14 3 42, 14 बटा 11, तो 14 बटा 11 हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इनमें से कौन बहुपद है। तो बहुपद का रूल होता है आपका ए एक्स स्क्वायर में होना चाहिए, बी एक्स के फॉर्म में हो, सी इस तरह से होना चाहिए आपका। ये देखिए इसमें बटा में है, इसमें भी रूट में है, नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 - 5x2, हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कौन बहुपद नहीं है। तो दोस्तों जो बटा में है, बटा में यहाँ पर देखते हैं हम क्या है, वो हमारा क्या हो जाएगा, बहुपद नहीं है। इस तरीके का क्वेश्चन है तो आप क्या करेंगे, तो इस तरीके से देख रहे हैं यहाँ पे हमारा क्या है, ये रूट में है। देखिए यहाँ पे रूट है, पावर है, एक्स के पावर हो जाएगा 1/2, ये हमारा सी नंबर जो है बहुपद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन बहुपद के मानक रूप में है। बहुपद के मानक रूप में कौन है आपको 11 नंबर क्वेश्चन में बताना है। यहाँ पे मानक रूप में हमारा डी है, 3x² + 5x³ - 6x - 7, ये मानक रूप में है, हमारा आंसर होगा डी नंबर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए एक्स स्क्वायर है माइनस चार एक्स माइनस दो बटा तीन है, कौन सा बहुपद, एक पदी है द्विपदी है? तो दोस्तों देखना है एक पदी या द्विपदी कह रहा है या एक्स में द्विघातीय बहुपद है। तो ये आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन के अनुसार हमारा जो है द्विघातीय बहुपद है। हमारा आंसर होगा सी नंबर। बहुपद आठ का घात निम्न में कौन है? आठ का घात निम्न में कौन है? हमारा सवाल ये है, जीरो है, जीरो का पावर आप आठ बार लिखेंगे जीरो होगा, ठीक है? तो आठ का घात निम्न में कौन है हमारा क्वेश्चन है। तो आंसर हो गया हमारा ये नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घात कह रहा है, कहने का मतलब है आठ के पावर घात बताना है, तो ये जीरो हो गया। अगला क्वेश्चन है बहुपद छः एक्स पावर फोर प्लस छः एक्स प्लस फाइव डी एक्स, महत्तम घात निम्न में कौन है? महत्तम घात आपको बताना है कि क्या है। महत्तम घात जो है हमारा दोस्तों हो जाएगा चार, एक्स के पावर सबसे ज़्यादा क्या है? चार। हमारा आंसर हो गया सी नंबर। एक्स घात चार के बहुपद में पदों की संख्या कितनी होगी? घात चार के बहुपद में, घात चार के बहुपद में हो जाएगा दोस्तों पाँच। हमारा आंसर हो जाएगा पाँच। किसी बहुपद का शून्यक होता है, सोलह नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी बहुपद का शून्यक होता है जब चर का मान होता हो, ठीक है? तो बहुपद का मान शून्य, हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, जब दो सरल रेखा एक दूसरे को परस्पर लंब प्रक्षेद करे तब तल कितने चतुर्भुज में विभाजित होती है, ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों चार में होता है विभाजित, हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदु छः चार समकोणित अक्ष में किस चतुर्थार्थ में है? देखिए यहाँ पे हम आपको बताते हैं, ये है आपका प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस, ये आपका पहला होता है, ये दो नंबर हो गया कोऑर्डिनेट, ये तीसरा हो गया और ये आपका चार नंबर। तो हम देखेंगे कंडीशन किस में है, प्लस प्लस में है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्लस प्लस में है, तो प्लस प्लस में है तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए फटाफट। प्लस प्लस में प्रथम होगा बिंदु माइनस तीन, पहले माइनस है बाद में प्लस है, ध्यान देंगे। तो ये किस में है बताना है आपको, तो ये बता दें दोस्तों दूसरे नंबर में होता है माइनस प्लस। इस चतुर्थांश में चौथे नंबर में कौन होता है? तो प्लस माइनस होता है चार नंबर में, जो हमारा होता है प्लस माइनस में होता है, तो प्लस माइनस में सी है, तो सी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इक्कीस नंबर, एक अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं को कोटि इनमें से कौन है? कोटि कहते हैं वाई वाला को और भुज कहते हैं एक्स वाला को, ये आप हमेशा याद रखेंगे। तो यहाँ एक अक्ष के कह रहा है तो हमारा कोटि जीरो। बिंदु माइनस तीन चार किस में है? माइनस पहले है बाद में प्लस है, दूसरे नंबर में है, हमारा आंसर हो गया बी नंबर। निम्नलिखित में दो चर वाले रैखिक बहुत प्रदर्शित करता है, तो दोस्तों आपको बताना है इसमें प्रदर्शित करता है तो हो जाएगा एक्स बी वाई प्लस सी, ये आपको प्रदर्शित कर रहा है यहाँ पे। चौबीस नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं आपको बताना है, तो दो होता है। यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख किस रूप का होता है? किस रूप का होता है? तो सरल रेखा का, हमारा आंसर होगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, छब्बीस नंबर, एक्स बराबर जीरो किसका समीकरण है? एक्स बराबर जीरो किसका समीकरण है आपको ये बताना है, तो ये जो है वाई अक्ष का है, हमारा आंसर हो गया बी नंबर। समीकरण y बराबर एम एक्स द्वारा प्रदर्शित रेखा होकर गुजरता है, ये आपको बताना है 27 नंबर में। तो दोस्तों मूल बिंदु से गुजरेगा y बराबर एम एक्स। अब देखिए x y बराबर a है, नेक्स्ट क्वेश्चन है y बराबर a का आलेख किसके समांतर सरल रेखा में है? तो दोस्तों x अक्ष के है, क्योंकि जीरो होगा x अक्ष, हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे a नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रैखिक एक घातीय समीकरण ax प्लस b इक्वल टू जीरो का एक मान कौन सा संभव है, रैखिक है? तो हो जाएगा हमारा ए एक्स बराबर बी, क्योंकि यहाँ देखिए क्या है प्लस में इधर है तो माइनस, तो x बराबर माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए, हमारा आंसर हो गया सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, दो दी गई बिंदुओं से सिर्फ और सिर्फ एक रेखा खींची जा सकती है, ये हमारा सही होगा लाइन। यहाँ पे देखिए क्या कर सकते हैं, दो बिंदु से यदि दो कोणों की मापों का एक कोण 90 डिग्री है तो ऐसे दो कोण क्या कहलाते हैं?
दो कोणों के मापों का योग जो है 90 डिग्री है तो क्या कहलाता है दोस्तों, पूरक कोण। और दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो संपूरक कोण, ये याद रखिएगा, पूरक और संपूरक कोण। तो हो गया आंसर बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 40 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा। 40 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, तो 90 में से 40 को हम घटा देंगे तो क्या आएगा, बोलिए फटाफट, 50। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 50 डिग्री। जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है उसे हम कहते हैं संपूरक कोण। यह आंसर हो गया ए नंबर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 65 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा, तो 65 डिग्री का संपूरक हम क्या करेंगे, 180 में से घटा देंगे 65, तो हो जाएगा 115। हमारा आंसर हो गया सी नंबर। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। आप हमारे पिछले मॉडल सेट देख सकते हैं ए बी सी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए आपके। दोस्तों यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। आप हमारे देख सकते हैं साइंस, सोशल साइंस, हिंदी का मॉडल सेट। थैंक यू दोस्तों, राधे राधे दोस्तों। यदि आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए।